प्यार का इकरार करते हो कि नहीं? प्यार में आंखें बोलती हैं और दिल गवाही देता है। मैंने तो अभी तक इसका कुछ फैसला नहीं। मैं जो तुम्हारे करीब आती हूँ, मेरे दिल की धड़कनें बस से बाहर हो जाती हैं। दिल के फैसले जो है वो हमेशा गलत होते हैं और दिमाग के फैसले जो वो कभी टूट नहीं सकते। I love you. तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सपना दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये मटरुआ 2 बजे तक सोया हुआ। इसको माफी, आज मैं खबर लेता हूँ। ये बड़ा बिगड़ गया, ये बहुत बिगड़ गया। कमी ना मुन्नी, तू क्या यहाँ कर रही है? दादा मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मेरी टांगों में लगा रही हो? अरे माँ, कहाँ तुम? अरे माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you सपना, I love you रीमा, I love you। और तुम मेरे सामने आ गई ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। ना खराब के बच्चे, और तूने दादा को भी रीमा समय रखा है और दादे की तूने पकड़ी कराया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कहां तेरी बौकर, तेरी बौकर नहीं। चले ठीक है, तू भाग के जाएगा कहां? अब नीचे जाके तुम आधा तोला दूध पियो ताकि जो तुम्हारी नदी वेस्ट हुई है वो पूरी हो जाए। इस कमबख्त को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तू नीचे चल, तू नीचे चल।
पेट्रोल का बहुत रेट हो गया, चलो फिर इसको ऊपर के बच्चों को नीचे उतारो, पूरा सालम रिक्शा ले लें। सर आप उतरे, बैठाया क्यों था, नीचे उतारना था। यस जी सलाम, आप ऐसा करें कि हमारी होटल में 327 कमरे में पहुंचे, मैं दफ्तर से फारग होकर वहां पहुंच जाए। सर तुम लगता है कि अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तुम जैसे गुंडे को नौकरी दो क्या, मैं धक्का भी नहीं देता हूं। गेट आउट। मैं तुम जैसे शरीर आदमी से नौकरी लेना भी नहीं चाहता हूं। मैं इसे अपनी तहकीम समझता हूं। तुम जैसे शरीर आदमी शरीर आदमी को उंगलियां बना देते हैं। अपनी नौकरी अपने पास रखो। अगर तुम मुझे नौकरी न दोगे तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा?
ये हमारा पुराना खिदमतकार था भाई साहब, इसने हमारे जिसको मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। हमारा घोड़ा पीठ दिखाकर भागे, उसका हश्र यही अंजाम होना चाहिए इस यूनियन लीडर का। रजा के लिए जो पैसों का बोला था
उनका कुछ बना? बन जाएगा मगर तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं बहुत कोशिश में हूँ। 50,000 का इंतजाम तो 3-4 हफ्तों में हो ही जाएगा, मगर मैं ये चाहता हूँ कि फौरी तौर पर 20-25,000 का इंतजाम हो जाए ताकि वो इस्लामाबाद चला जाए। अरे वो है ना राशिद, अरे वो लंबा, अरे चुप, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये डमकड़, ये क्या कर रही है तू? तो अरे मैं लंबे की बात कर रहा हूँ, लंबा राशिद आजकल लाखों में खेल रही है, अरे अरबों में खेल रही है, करोड़ों में खेल रही है, 20-25,000 की तो वो चाय ही दी जाता है, अरे चाय 20-25,000 में दे देगा, मसला ही कोई नहीं है। दफ्तरों के चक्कर लगा कर थक गए, नौकरी तो हमें कुछ देता ही नहीं। यार सलमान, क्यों ना हम मिलजुल कर कोई छोटा मोटा धंधा कर ले। हाँ सलमान, चार्ली चैप्टन ठीक कह रहा है। अरे वो लपक लपा लपक लपा लपक लपा लपक लपा लपक लपा, अरे वो जो भी करता है वो उसका फेल है। काले धंधे करता है, जोबाजारी करता है, स्मगलिंग करता है, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जो भी खुदा करेगा बेहतर करेगा। सलमान, तुम किधर रह गए थे न्यौले के बच्चे? इस घोड़े के बच्चे को लेने गया था। ओए चूचे और नांगे के बच्चे, मुद्दा बयान करो। इस नांगे के बच्चे को जानते हो? ये मकान का मालिक है, इसके फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। तो फिर मैं क्या करूँ? सलमान, मैंने कई दफा लड़की को कहा मेनू कब्जा दे दे, पर उन्होंने दुकान तो जाके मेनू नवा कब्जा लिया के देता, मेनू घर का कब्जा नहीं देता, मेनू कब्जा ले दे। पहलवान, मैं औरतों के साथ ऐसे काम नहीं करता। ओहो गुरु, आप एक दफा जाके उसे एक नजर देख लो, हो सकता है कोई मामला सेट हो ही जाए। हाँ गुरु, आपस की इबादत देखने में हर्ज ही क्या है? बिल्कुल हर्ज है, बिल्कुल। तो मैं कैसे खाली करा लूं? अरे कैसे? अरे जैसे लाहौर के खुंडे ऐसे सड़कों पे आके गरीब लोगों से गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, तुम भी ऐसे गुंडे बन जाओ। बिल्कुल ठीक कहता है खरगोश का बच्चा। गुरु, रब का नाम लो और हो जाओ शुरू। चलो 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 चलो, तुम भी चलता नहीं हो। गुरु, ये है शालू मिर्जा। चालू मिर्जा? हाँ, ये है चालू मिर्जा। और नहीं नहीं, और इसने बड़े बड़े बदमाशों और गुंडों को चालू करा दिया है, जिसको भी मैं लेके आया हूँ यहाँ में, कि ये मुझे कब्जा दिला दो, ये वेली खाली करा दो। वो बेचारा बड़ा ही खजल खराब हुआ है, दलील हुआ है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अंदर जाओ। मैं अकेला अंदर चला जाऊँ? जाओ, कोई बात नहीं, निचोड़ के रख देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ठीक है, इसको ठीक करता। इसे ऐसा ठीक करो गुरु, ऐसी अन्नी पाओ के ये बंदे बंदे को बताए कि गुरु तो बड़ी ही अन्नी पाता है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी तो शालू मिर्जा नहीं, शालू मिर्जा हो तुम। शालू है मेरा नाम। चालू शालू, ये देखा है, एक हाथ, एक उछाड़ा मारूंगा तो 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। ए, ये जोर शोर किसी और को दिखाना, तुम अभी मुझे अच्छी तरह जानते नहीं, मैं बड़ी बुरी चीज हूँ। तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं। तुम नहीं मुझे जानते अभी। ये चालू मिर्जा का फोटो उतारो। क्यों, किस लिए बताऊँ मैं?
इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। ये चालू मिर्जा का बोर्ड उतारो। नहीं उतारो इसको। नहीं नहीं। आओ दोस्तों इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। पैसे कहां से आए हैं? मैं बता दूंगा। क्या किसी से कर्ज लिए हैं? मैं बता दूंगा। क्या तुम समझते हो कि ये उल्टे सीधे काम करके पैसा कमा के लाएगा? क्या समझते हो मेरे पोते को? दादाजी मेरी बात सुने, जो बात मैं कर रहा हूं आपको उसका पता नहीं है, और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अगर ये बिगड़ गए दोबारा ये काबू में नहीं आएंगे। ओहो बेटा, सभी बच्चा है, वक्त आने पर सब कुछ ठीक। मगर आपको पता ही नहीं उसने किया क्या है। क्या बेटा हुआ क्या? भाई 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, पता नहीं कितने लाके अपने भाई को दिए, कहां से लाके दिए, कैसे दिए। तो देखो तो सही है, एक भाई के लिए भाई क्या कर। बेटा मैं अंदर जाके सारा कुछ पूछ लूंगा। कोई बात, जरा तुम अंदर तो आओ। मेरा जी नहीं चाहता कि मैं हाथ लगाऊं। जब से मैंने भोज संभाली है भाई, मैं मेहनत, मजदूरी और मुशक्कत, मैंने ना दिन देखा ना दोपहर ना रात, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। इस घर में अगर आराम का एक ऐसा भी आ गया तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और मुशक्कत बर्बाद हो जाएगी। मेरी हक ला के कमाई आराम नहीं हो जाएगी। बेटा तुमने जितनी भी तालीम हासिल की है ना, ये मेरी चंदा हलाल के पैसे की है, हराम के पैसे से नहीं। जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि तेरा भाई ये पैसे कहां से लाया, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। भाई तू हौसला कर। अबे मटरवे, तू आज दादा को ये बता कि तुमने इतनी बड़ी रकम कहां से उठाई। दादा जी मैं आपको बता दूंगा बाद में। वो तो कब बताएगा, मुझे आज और इसी वक्त बता। अबे तूने को पास तो नहीं लूटी? नहीं नहीं। वो हेलीकॉप्टर तो नहीं बेचा? नहीं। कोई चैंजी तो नहीं बेचा? नहीं। अबे तूने कहीं टैक्सी तो नहीं बेच दिया? नहीं नहीं दादाजी मैं आपको बता दूंगा। ये खुरल का क्या मतलब? अरे तुझे आज ही बताना पड़ेगा, बता। दादाजी मैं बता दूंगा। और कब बताएगा बताओ? मैं बताती हूँ। आवाज अच्छी है, लड़की बहुत खूबसूरत है। सुलेमान तुम्हारी दादी भी ऐसी। क्या कह रहे हो दादा? मैं ठीक कह रहा हूँ। ओए ये चिड़ियों को भाई लगाने वाला कौन है? मैं तो मजदूर आदमी है ना, मैं तो कराया दे हो, मैं तो जावा। ये रहा है कि 20 रुपए दे रहे हो, 50 रुपये मुका के 20 रुपये दे रहे हो। आ गया तू, चलो। हाँ चलो, बच्चे चलो जाओ। क्या जमाना आ गया, 50 रुपए खत्म करके तो 20 रुपए पकड़ा रहे। बात सुनो, ये 40 रुपए अगले फेरे ले। चलो
शकुंतला। दादू दादू इसने ना सिर्फ मुझसे मेरी छत छीन ली, जीने का इज्जत से हक भी छीन लिया दादू, हक भी छीन लिया दादू। दादू दादू ऐसी जगह जहाँ इज्जत से जिंदगी गुजार सकूं बहुत महंगी है दादू, 50,000 दादू, 50,000 दादू। बच्चे मेरा नलका ना गिरो, नहीं दादू दादू 50,000 एडवांस, 10,000 किराया, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी दादू। इसने ये जो है ना, इसने दादू उस मालिक मकान को पिटाया, उस मालिक मकान को पिटाया दादू, इसने इसने एडवांस उससे पैसे लिए दादू और मेरा घर खाली करवा दिया दादू। दादू अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो लुटी दादू, मैं कहाँ जाऊँ दादू, मैं गरीब लड़की। ना मेरे बेटा, ना मेरे चंदा, ना चंदा, रोने की कोई जरूरत नहीं, चुप बस खामोश हो जाओ। ये जिस जगह पे तुम आ गई हो ना, समझ लो यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे सर छुपाने की जगह है। ना तुझे 50,000 रुपए एडवांस देने की जरूरत है, ना 10,000 रुपए किराया देने की जरूरत है। ये छत भी तेरी, ये घर भी तेरा, और इज्जत का ना फिक्र। मैं जिंदा हूं ना, पीछे देखो दादू जान खड़े है ना, ये दादा जान है ना। इजीली रिलैक्स, अब रोग इधर ही ना, ये अपने ही घर समझना, ठीक है बेटा। तो ये मेरा बड़ा बेटा अच्छा है। सुना भी मटर हुए, तूने उनसे 50,000 रुपया भी ले लिया, एडवांस भी ले लिया, इधर मुंह करे तो मुझे क्या कहता था और ये क्या कहते। चलो बेटा ठीक है, जो मेरा बड़ा बेटा कह के गया है ठीक है, आज से तुम इस छत के नीचे इज्जत की जिंदगी के बारो, तो इसको करूंगा तुम्हारे साथ डांस। टिकट तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास टिकट नहीं है? नहीं।
तो मुझसे लो टिकट। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? सात वाली गली में एक यूनियन लीडर का कत्ल हुआ है और मुझे शक है कि उसको कत्ल तुम लोगों ने किया है। क्या बदतमीजी है? ड्यूटी के वक्त तुमने शराब पी रखी। क्या बकवास करते हो? असली मुजरिम को पकड़ नहीं सकते तो वर्दी उतार कर घर से जाओ। कान पकड़ लो। सबब लाई गए देख ले आप जिसमें कोई आपकी चीज कम तो नहीं है। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? इसमें मेरी बहुत कीमती चीजें थी, पासपोर्ट, डॉलर और शर्ती कार्ड, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। अगर जिंदगी में मेरी कभी जरूरत पड़े तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जरूर आइएगा। ये आपका इनाम है। ये अपने पास रखे पैसे अपने। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने की करने की कीमत वसूल नहीं करता। तो फिर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। इस एहसान के बदले मुझे भी जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर किसी का एहसान नहीं करती।
लोग विकारी के हाथों इतने तंग आ चुके थे, एक ईमानदार यूनियन लीडर का खून कर दिया। हमने कोई कत्ल नहीं किया, हमें किसी खून का पता नहीं है। तुम्हारा बाप भी बताएगा खून किसने किया। तुम हो इनके पांचवें साथी और इस गैंग के लीडर। इन सबको साथ लेकर नौकरी की तलाश में भटकने वाला, डिग्रियां लेकर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने वाला, जिसके पास रिश्वत के पैसे ना हो और वजीरों की सिफारिश ना हो तो वो डिग्रियां भी रद्दी के कागज बन जाते हैं, तो फिर मैं ही उनका लीडर हूं। इसका मतलब है कि तुमने इतराफ कर लिया कि रिश्वत के पैसे लेने के लिए तुमने एक यूनियन लीडर का कत्ल कर दिया। नहीं, जबरदस्ती करोगे तो मैं कबूल कर लूंगा और अदालत में जाकर कह दूंगा हम पांच नहीं हम छह हैं और छठे नंबर के हो तुम। बकवास तुम करो। इतना रखें आप लोग, इतना रखें। हमने कातिलों को पकड़ लिया और अंदर इंक्वायरी चल रही है, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। किन मजलूमों को पकड़ा है इंस्पेक्टर? मैं ये जानता हूँ कि ये कत्ल इज्जत बेग और उसके साथियों ने किया है। अगर जरा सी भी इंसानियत है तो तुम इन्हें जरूर पकड़ते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। उनको बचाने के लिए तुम इन मासूम लोगों को जबरदस्ती इस कत्ल में मुलव्वस करना चाहते हो, और कल के अखबार में मैं इज्जत बेग और उसके भाई शेर जंग की करतूतों का पर्दा चाक कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इन मजलूमों को छोड़ दो। मोहम्मद हुसैन। यस सर। उन चार लड़कों को बाहर लेकर आओ। बेहतर सर। तुम जैसे अच्छे इंसान अब इस मुल्क में है, इसी वजह से यह मुल्क बचा हुआ है, और इन जैसे गद्दारों की वजह से यह मुल्क तबाह हो जाएगा। ए सहाबिया, चंद लोगों को इकट्ठा करके, चंद लोगों के सामने नाराबाजी करके तुम ये समझा के लिए जाओगे हमारे काले करतूतों से पर्दा चाक करके हमें नंगा करना चाहता हूं? हाँ, आग लगा दूंगा। भाई साहब, ये जिंदा बचेगा तो करना में अंजाम देगा ना। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। जिंदगी और मौत उस खुदा के इख्तियार में है, लेकिन मौत के फरिश्तों ने ना तुम्हारी मौत का परवाना हमारे हाथ में दे दिया। अगर मेरी इंसानियत की खिदमत के सिले में शहादत लिखी है तो मैं ये जाम बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लूंगा। सहाफी की कलम और जुबान हमेशा के लिए।
दोनों चीजें बंद कर दी है पैसा। हाँ, खुशी को गम में बदलना हमारी फितरत है। आंखें बंद करती हूँ तो वो नजर आता है, आंखें खोलती हूँ तो उसे भी करीब आता है। इसे क्या कहते हैं? इश्क मैंने दे दिया। बोलो बोलो क्या दे दिया? अरे दे दिया मैंने, दे दिया मैंने तुझको, तूने मुझको अपना दिल दे दिया। ले लिया ले लिया मैंने ले लिया। अरे बोलो बोलो क्या ले लिया? ले लिया ले लिया मैंने, तूने मुझसे मेरा दिल ले चुन लिया। अरे चुन लिया।
अपना दिल दे दिया। इंस्पेक्टर, इतनी ज्यादतियों के बाद तुम्हें क्या काम है मुझसे? गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, मगर मैं समझता हूं कि मैं गलत था। तुम जैसे जवान मर्द शख्स को आवारा गर्द नहीं, किसी अच्छी जॉब पे होना चाहिए, और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। आओ मेरे साथ बैठो। तुम लोग चलो गुड्डू और हाशमी के पास, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। आओ आओ इंस्पेक्टर बाबू, बैठो ना। जी नहीं सर, जनाब सदीक साहब, हम कहाँ इस काबिल कि आपके बराबर बैठ जाए। मैं तो आपके लिए एक ऐसा पत्थर लेकर आया हूँ जिसे आप तराश तराश कर हीरा बना सकते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। भाई हम उस हीरे को देखने के लिए ना बेताब हैं। लाओ जी आओ। इंस्पेक्टर, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? पुलिस वाले हो ना? मैं तो समझा था किसी DIG PCIG के पास लेकर मुझे जाओगे नौकरी के लिए। मिस्टर सलमान, तुम बहुत ठीक समझे हो। ये जो हमारे इज्जत देख साहब है ना, DIG भी हैं, DSP भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ गए ना? और ये बहुत ही अच्छी नौकरी आपको दिलाएंगे। बताओ कौन हो तुम और मुझे किस लिए बुलाया है? अरे बाबा दोस्त हूँ, दोस्ती चाहता हूँ। तुम बैठो ना। बैठने पर
कपड़े गंदे हो जाएंगे। ओहो, सोफे साफ भी हो जाते हैं लेकिन काम गंदा। अच्छा, बहादुर चलाक भी हो लेकिन जिस बाजार में तुम अपनी काबिलियत बेचना चाहते हो ना, वहां खरीदार तो मिल सकते हैं लेकिन हम जैसे कदरदान नहीं। क्या तुम कदरदान हो? मिस्टर सुलेमान, तुम बहादुरी और ईमानदारी से हमारा काम करोगे तो भाई सब खुश होकर तुम्हें कीमत भी देंगे, बहुत जल्द मालामाल हो जाओगे। मालामाल बनने के लिए मुझे मुल्क दुश्मन बनना पड़ेगा, यही चाहते हो तुम? बहुत समझदार हो तुम, गधे हो, इतना भी नहीं जानते कि हड्डियां कुत्तों के आगे डाली जाती हैं, मर्दों के आगे नहीं। हे इंस्पेक्टर बाबू, तुम किस आदमी को पकड़कर हमारे पास लाए? ये पत्थर हमारे काम का नहीं है। हे मिस्टर सलमान, तुम जानते हो कि बकवास तुम किसके सामने कर रहे हो? ये क्या हस्ती है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं। मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम गुंडागर्दी खत्म करने के बजाय मेरे वतन के नौजवानों को गुंडा बना रहे हो। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी ऐसी नौकरी पर। इजी भाई, इजी। उस बच्चे को क्या पता है खुशी को गम में बदलना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ये एक्सीडेंट मैं अपने जुम्मे ले लूंगा। नहीं सलमान, मैं तो पहले तुम्हारे एहसानों तले दबी हूं। मैं एक जरूरतमंद हूं, मुझे अपने भाई की तलीम के लिए 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 50,000?
वो तो इंसानियत के नाते भी दे सकती हूँ। जब जुर्म मैंने किया है तो सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए। अदालत की दी हुई सजा से मेरे घर वालों को सजा मिल जाएगी। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। मिस्टर सुलेमान को एक्सीडेंट के जुर्म में 3 माह की सजा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। मेरा नाम आफताब है और लोग मुझे इतना कहते हैं। ये तो तुम समझ सकते हो। अगर मेरे और आपके दरमियान रौदा तय हो जाए तो मैं उसे मरवा दूंगा। किसको मरवा? MPA नसरीन बहुत अच्छी है लेकिन वो मुझे बहुत बुरी लगती है। कमाल है, वो तुम्हें अच्छी भी लगती है। बुरी इसलिए लगती है कि उसके मेरे मुकाबले में होम मिनिस्टर बनने के ज्यादा चांस हैं। अगर वो मर जाए तो मैं अकेला रह जाऊंगा और अगर मैं होम मिनिस्टर बन गया तो जायज नाजायज सारे काम मिनटों में करवा दूंगा। जायज और नाजायज काम को छोड़े, इस काम के लिए पूरा 50 लाख रुपया होगा। मुझे मंजूर है। ये ले ब्लैंक चेक। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? खुशी को गम में बदलना शेर जंक। जी भाई साहब, हमने जो MPA के साथ सौदा किया था उसके लिए कोई आदमी खरीदा? जी भाई साहब, MPA नसीन का गार्ड हमने खरीद लिया है। ओह, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। जी जी, तो कितने बजे की रखी है? कल तो फिक्स मीटिंग है ना, कन्फर्म है ना? कल 10 बजे की। चलिए ठीक है, ओके वापिस। सलाम अलैकुम मैडम। वालेकुम सलाम। इन दरख्वास्तों पे साइन करें। ये जो 75 नंबर वाली गली है उसका बिल पास है, सिर्फ आपके साइन रहते हैं। मैडम। हाँ, क्या बात? बाहर कोई आपसे मिलने आया है? उसे वेटिंग रूम में बैठाओ, मैं आ रही। ठीक है मैडम। छुट्टियां ही तो मनाने आया हूं मैं, और तेरी इस जहां से छुट्टी करवाने आया हूं मैं। रकम दो। कितनी रकम है तुम्हारी? रकम
इतने बच्चे मत बनो, 1,00,000। मैं तुम्हें 2,00,000 दूंगा। देखिए इज्जत बेग साहब, हम आपके बहुत काम आते हैं, आप भी हमसे बफर से पेश आए हैं। सर, सर जी कत्ल हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं एमपी नसीम के घर गया था तो एमपी नसीम को उसके गार्ड ने कत्ल कर दिया। जब उसका गार्ड बाहर आया तो इज्जत बेग के भाई ने गार्ड को भी कत्ल कर दिया। जिस हद मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इस वक्त कहाँ हो? जी मैं सली टाउन में हूँ। हाँ तो मैं हमें फंसाने वाला अपने लगाए जाल फंस गया। बचकर जाएगा कहां? मौत की देवी उसे गले लगाने के लिए बेताब है। तेरा शेर जंग उसे मौत की नींद सुला देगा। खुशी को गम में बदलना का बड़ा भाई है। क्या तुम सरकार, आपने मुझे बुलाया? ए मुश्ताक,
तुम्हें काफी अरसा बीत चुका है जेल गए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर तुम एक्सटीडेंट के जुर्म में जेल जाओ। तुमने जाकर थाने में ये कहना है कि उस बस का ड्राइवर मैं ही था जिस बस के नीचे आकर इमरान मरा है। ओके सरकार, मैं भी जाकर गिरफ्तारी देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई तुम और किससे मिलना है? जनाब मैं हूँ वो लॉरी ड्राइवर जिस गाड़ी के नीचे इमरान आकर मर गया। मोहम्मद सैम। यस सर। इसकी FIR काट कर इसे हवालात में बंद कर दो। यस सर। बाकी मैं देख लूंगा। देखो सलमान, मैंने 3 घंटे की मोहलत के लिए हमारे रिहाई मंजूर करवाई है सिर्फ इसलिए कि तू अपने भाई का आखिरी दीदार कर ले। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। चलो अमरान बेटा, सुनने तो दादे की कमर ही तोड़ दी। इस फैमिली को तूने अपाहिज करके रख दिया, अपाहिज करके रख दिया। बाप जैसा भाई था जो हमारा साथ छोड़ गया, अब मुझे कौन प्यार करेगा? अब मुझे दादे से कौन बचाएगा भैया? देखो सलमान, तेरे भाई के एक्सीडेंट का मुझे भी बहुत अफसोस है, मगर देख मैंने तेरे रिश्तेदारों की खातर तुझे वर्दी की खातर सिविल कपड़ों में लेकर आया हूँ और अब मैं मजबूर हूँ कानून के हाथों। बहुत टाइम हो चुका है तुम्हें मेरे साथ चलना। बेटी मत रो, ये अनहोनी हमारे साथ एक दिन होनी थी। बस बेटा इसके लिए दुआ मांगो कि अल्लाह इसे जन्नत दे दे। ओ वो कैरेक्टर बनने के लिए रजा का लेटर आया है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का पता करके उस लेटर पे साइन कर दीजिए। मगर सलमान ने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। मैं उसके घर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बस इंस्पेक्टर बाबू, कुछ लोग इतने बदकिस्मत होते हैं जो साहिल पर आकर डूब जाते हैं। मैं समझा नहीं, जब एक तो फिर समझ लो और सोच कर फैसला करना कि तुम्हारी बहन सलमान के भाई रदा से प्यार करती है। ये रो तस्वीर। नहीं, मैं क्या करूं? करना क्या है इंस्पेक्टर साहब, तुम अपनी बहन का रिश्ता रजा के साथ जोड़कर उसके साले बन जाओ, मेरा मतलब आधे घर वाले बन जाओ। इंस्पेक्टर बाबू, वो बहुत जल्द कलेक्टर बनने वाला है और हमें अपने काम करवाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी और हम अपनी सारी फाइलें उसके सामने रखेंगे और जो चाहेंगे काम करवा देंगे। खुशी को गम में बदलना मेरी फितरत है। मैं गुरु को सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारे बड़े भाई का कातिल इज्जत बेग का भाई है। चार्ली, अगर तुमने गुरु को बता दिया
तो हम गुरु से हाथ धो बैठेंगे। मेरी मुन्नी, मेरी चुन्नी, देखो बेटा, आ ये घराना कितना खुश है, मेरा पोता सुलेमाना। देखो बेटा, घर के सारे कपड़े इस्त्री कर दो और खास तौर पे उसके बेड की चादर को धो के ना उसमें डाल दो। दादू, वो तो मैंने कपड़े तो इस्त्री कर दिए चाचू के, और बेड की चादर जाके ठीक कर देती हूं। अच्छा बेटा, बड़ा प्यारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। देखो बेटा, आज तुम्हारे होंठों की लाली इस सेब की लाली को मार खा रही है, और मुझे पता है आज तुम इसलिए खुश हो, मेरा बेटा सुलेमान जो आ रहा है। देखो चल बेटा, सुलेमान की तमाम डिशेस जो उसे पसंद है सब बना रहा हूं। तो यार क्या बात है, जब मैं जेल गया था तुम लोग तो भी परेशान थे, अब मैं आ रहा हूँ तो तुम फिर परेशान हो, क्या बात है? सलमान, तुम्हारे बड़े भाई को क्या बचकानापन है कि तुम्हारे भाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह को यही मंजूर था। क्या हो गया तुम लोगों को है? सुलेमान भाई इतने दिनों के बाद आए, ऐसी बात क्यों कर भाई? रजा भाई तो तालीम मुकम्मल घर का आ चुका है। अच्छा सुलेमान, आप ऐसे करो घर चलो, कल परसों मुलाकात होगी। ओके ओके बाय। सलाम दादाजान। वालेकुम सलाम, मेरा चांद सा बेटा आ गया। कैसे आ रहे हैं बेटा? इन मेहमानों का ताक तो करो दादाजान। ये है सानिया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और ये है इनके बड़े भाई इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर दादाजान, आपको हर मजाक की पड़ी होती है। चलो बैठो, तस्वीर रखे, तस्वीर रखे। अरे बेटा, आ जाओ। क्या हाल चाल बेटा? ठीक है। आजकल किस थाने में हो? बस नजदीक ही आपके घर के पास ही। तो घबराइए नहीं, इंस्पेक्टर तो मैं लोगों के लिए, आपसे तो रिश्तेदारी करने के लिए आया। रजा और सानिया आपस में बहुत प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। ओहो, मैं तो बातों का तुम्हें चाय का भूल ही गया। बहु बेटा। जी दादाजी। मेहमानों के लिए बेहतरीन चाय। अच्छा दादाजी। और जो बिस्कुट मैं ये राह स्वीट से लाया हूँ ना, वो भी भेज देना। जी अच्छा जी, लाई। दादा जान, चाय और बिस्कुट की क्या जरूरत है? बेटा पुलिस वाले हो तुम, तो हर चीज करके आ जाते हो। ये मेरी बहू है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बहू है, जरा कद इसका छोटा रह गया लेकिन काम बड़े से बड़ा कर लेती है। ये आपकी मजाक की आदत है या? ये शुरू से जब मैं पैदा हुआ था ना, वो बस ये ताई ने मुझे, चल छोड़ो इन बातों को, फिर बताऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, आप ले ना। नहीं आप ले, मैं तो पीते रहता। अच्छा बेटा, आप चाय या बिस्कुट? ये आप इतनी सेहतमंद है, पूरा टोकरे के ले। कोई बात चालू, आप ही लेना। ये किसका तारफ नहीं करवाया? ये मेरा चालू बेटा। हाँ तो वो मैं ये कह रहा था कि सलमान कब तक आएगा? आ गया। ठीक हो? हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। ओहो, मेरा सलमान कब आ गया? सुलेमान बेटा ठीक तो हो ना? ठीक हो दादा। सुलेमान बेटा, ये इस इलाके के इंस्पेक्टर है और ये इनकी छोटी बहन है। तुम्हारे भाई रजा के लिए अपनी बहन का रिश्ता ला। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ दादा। हेलो मिस्टर सलमान, आई एम शहबाज खान। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, मेरी तरह बात बात तो सुनो। चलो सलमान, चलते हैं। दादा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात है। अच्छा तो आप ये बताइए, आप ये अंदर क्या ड्रामाबाजी कर रहे थे?
नहीं नहीं, जामेबाजी नहीं, मैं तो यहाँ शादी की बात करने आया हूँ। और सलमान साहब, बहुत जल्द हम आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। मेरा तोहफा? हाँ, क्यों नहीं? अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। कैसा महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा। खुश हूँ? हाँ जी। क्यों? मेरे साथ दोगे ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मौकों पे कुकड़ी कुकड़ चुंझे लड़ाते हैं। देखो बेटा, आज कितना खुशी का दिन है। एक तो तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारक, एक तुम बहुत बड़े कलेक्टर बन गए हो। मैं कितना खुश हूँ कोई नहीं जानता कि तेरा दादा कितना खुश। दुल्हन बेटा, जरा घूंघट तो उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुल्हन बेटी तो पित्त पाउडर की मशहूरी लग रही है। आज छोड़ दे। ओ बेटा, जरा जेन आपकी दादी की तरफ चला गया था, इसलिए थोड़ा सा रसेस दे रहा हूँ। हर बात के बाद आप दादी का नाम ले लेते हैं। आपको क्या पता तुम्हारी दादी ने क्या क्या तरीफे थी। वो चलती थी तो कड़ी छो का पुल हिलता था, वो वापस आती थी तो गोभी का फूल डांस करता था। बेटा, मेरी दो बातें याद रखना। जी दादाजी। एक मेरी ये सुनहरी पग मिट्टी में ना डोल देना। आप फिक्र ना करें। बेटा, आपको पता कि मेरे 14 अंडरस्टूड बचे थे। ओह दादाजी। लेकिन मैंने उनको भी अवॉइड किया। असल में तुम ही मेरी औलाद हो। बेटा, तू बतख जैसा मुंह नीचे करके बैठ गई है, तू मेरी बातें गौर से सुन। अपने मियाँ की खिदमत करना, और इतनी खिदमत करना, इतनी खिदमत करना कि तेरे दादे का पूरी वादी में नाम हो जाए। बस बेटा, ये तुम्हारी सुहाग रात है, मैं ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा। हाशमी, अब बताओ क्या तरकीब है, तुमने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा हुआ है कि तमाम सबूत इकट्ठे करके हाँ होम मिनिस्टर साहब को भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिठाई खाओ और मैं रोजी की तलाश में निकलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, हम लोग खाएंगे मिठाई, मिठाई तुम जाओ सवारी उठाओ। गुरु, गुरु वो आगे तुम्हारी माँ। ए चलू, चलो तुम्हें मैकडोनल्ड पे ले चलूं बर्गर खिलाने के लिए। क्यों? मुबारक हो नई टैक्सी की। अरे ये क्या कह रहे हो चालू? आई मीन गाड़ी की, गाड़ी गाड़ी। क्या मुबारक, क्या मुबारक। चलो फिर ला मेरी मिठाई। तुम्हारी मिठाई, चलो मेरे साथ। तुम्हें मैं कहता रहा हूं कि तुम्हें मैकडोनल्ड पे लेकर चलता हूं। साथ मिठाई खिलाऊंगा और साथ बर्गर खिलाऊंगा और पेप्सी भी पिलाऊंगा तुम्हें। मुझे तो यकीन नहीं है कि तुम इतना पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी के मारे मारे फिर रहे हो। लेकिन जिसका भाई कलेक्टर हो उसे टैक्सी चलाने की क्या जरूरत है? लेकिन जनाब, आप इतने खुदार हैं कि आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। जान जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं सच सुन भी सकता हूं और सच बर्दाश्त भी कर सकता हूं। देखिए, अब अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इज्जत,
शोहरत और दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ हमारे खानदान का ही तो है। फिर सलमान को टैक्सी चलाने की क्या जरूरत है? लोग क्या कहेंगे? हमारी बहुत बेइज्जती होगी। देखिए सानिया, लोगों का क्या है, ना किसी को अच्छा पैदा हुआ देख सकते, ना किसी को अच्छा खाता हुआ। और है इज्जत की बात, मेरे भाई सलमान ने एक लड़की घर नौकरी की है लेकिन बेइज्जती महसूस नहीं की। मेरे इम्तिहान की फीस के लिए जेल चला गया, आप सब लोगों को मालूम है ना। मुझे कलेक्टर बनाने वाला भाई अगर टैक्सी चला के रिस्क हलाल कमा रहे तो इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है? हमें तो उस पर फखर करना चाहिए। सानिया, मेरा भाई बहुत खुददार है, आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का मोहताज नहीं है। अरे छोड़ो, अब सोचो, मुझे दफ्तर भी जाना। चले, परेशान ना हो। इडियट, ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई है? भाभी, ये तस्वीर क्यों तुमने फेंकी? इसकी वजह से सारे हाल की खूबसूरती बिगड़ रही है। भाभी बन, चढ़ेल ना बन, ये लो तस्वीर, जहां से उतारी थी वहीं लगा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, ये घटिया तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। तेरी जुबान। Oh no! How dare you? Shut up! You shut up! Salman! देखा आपने, आपका भाई कितनी बदतमीजी से बात करता है। सिर्फ आपका भाई नहीं बल्कि ये सब लोग हमारा ही खाते हैं और हम ही घूरते हैं। सानिया, तुम कान खोल के सुनो, तुम सिर्फ बीवी हो और ये वो है जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूं। इनके खिलाफ मैं कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलमान, बड़ा भाई की तस्वीर दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा इज्जत के साथ इनकी तस्वीर दीवारों पर वापस लगा दो। सुना तुमने? सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। सर सॉरी। क्या बात? सर, एक कैदी मौत की सजा काट रहा है, उसकी जमानत की रिहाई के ऑर्डर कर दिए। अभी क्या मैंने कत्ल करने के लिए कहा था? मैं क्या करूं, मतलब की बात करूं? सर, 2 लाख का फायदा है। ये हुई ना मतलब की बात, फाइल दे, मैं साइन करूं। दूसरी फाइल में क्या है? सर, अमराम के कत्ल की फाइल है, ये शेर जग ने किया। मुझे दो। दो सर। अब तुम जाओ। ओके सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इज्जत बेग ने मुझसे पूरे 50 लाख लिए थे, अब उनकी सूद समेत वापसी होगी, या तो रकम वापस करेंगे या फिर सजाए मौत होगी। आप में से गुड्डू कौन है? मेरा नाम गुड्डू है। मिनिस्टर साहब ने बुलाया है। मिनिस्टर साहब ने बुलाया है? तो फिर सर हम जरूर आएंगे। आप लोगों ने जो इमरान के कत्ल की फाइल मिनिस्टर साहब को भिजवाई थी, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, आप सुबह इस पते पर पहुंच जाना। वेरी गुड, लगता है अब इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है।
मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, मिनिस्टर साहब जिंदाबाद। अच्छा खुदा हाफिज भैया। मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्टर साहब से मिल लें, वरना उनको बुरा लगेगा अगर मैं उनसे वापस चला जाऊँ तो। चले आए, मैं उनसे मिलवाती हूँ। चलो। क्यों सनिया, इस घर को तोड़ने के लिए इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, क्यों? वेरी गुड भाईजान। हाँ तो मैं चलता हूँ। ओके। आज ही पता चला है अपने यार के आने पे औरत बनाओ सिंगार क्यों करती है। मैं आपको मां से बढ़कर समझता था। ये इज्जतदार लोगों का घर है भाभी, बाकी फैसला आपके हाथ में है। वाह डायरेक्टर साहब वाह, ये क्या आपने फैसला किया। एक जज बनकर तो आपने फैसला कर दिया, थोड़ी देर के लिए आप भाई बनकर भी फैसला करें। भाभी के कमरे से निकलते हुए ड्राइवर को मैंने देखा है, क्या ये सच नहीं है? वो सब सच है, लेकिन भैया आपने इसका मतलब गलत निकाला है। आप बरसों से भाभी को जानते हैं। नादान बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं। और इस बेटे की तो शादी की सालगिरह थी, इसलिए बेचारी ने बनाव सिंगार किया। ये तो बड़ी पकीज़ा ज़हन की मालिक है, ये सरासर आपको गलतफहमी हुई है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने अपने कमरे में जाए। अपनी बड़ी भाभी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, शर्म करो। मैं बड़ी भाभी को नहीं बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। मुझे? हाँ तुम्हें। तुमने और तुम्हारे भाई ने जिस ड्राइवर को नाटक करने के लिए भेजा था, अगर उसको मैं ला के अपने भाई के सामने खड़ा कर दूं, तो बोलो फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। तुम लोग ये जो चक्करबाजी खेल रहे हो, हमारे जन्नत जैसे घर को कभी नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, और अपने कमीने भाई को बता देना। कमीना और मेरा भाई? हाँ। तुम्हारे खानदान में गरूर कूट कूट कर भरा हुआ है, शायद इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारे बड़े भाई का खून कर दिया। नहीं। हाँ, बीच सड़क मार डाला उन्होंने। तुम्हारे बड़े भाई को क्या बचकानापन है कि तुम्हारे भाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही जगह है, यही बिल्कुल ये वही है। जगह भी वही है, बंदा भी वही है जिसने हमें कार दिया था। बिल्कुल वही बंदा है, बिल्कुल। मिनिस्टर साहब कहाँ है? तो दूसरे कमरे में है। हमें उस कमरे में ले चलो। आप सबको एक ही करके बुलाया है। एक एक करके? ठीक है, वन बाई वन, यानी कि वन इज द वन। अब आप चले मिनिस्टर साहब के पास। सर हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी फरियाद इतनी जल्दी सुनी जाएगी। दरख्वास्त और फरियाद बहुत जल्दी सुना करते हैं। आग लगा दूंगा। खुशी में ये कैमरा आपका हुआ, मुझे मिनिस्टर साहब ने बुलाया। मिनिस्टर साहब के साथ जा रहा हूँ। इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, तो कतर होते हुए तुमने देखा है? मैंने, मैंने। तुम
जब कत्ल हो गए तो कौन देखेगा? कोई खोना नहीं था चाहते गुरु, खोना नहीं चाहते थे। जारी, जारी, जारी आजा खोलो, जारी, नहीं। मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनको जलाकर राख कर दूंगा। वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मुझे इस अस्पताल का। वो इंस्पेक्टर शहबाज के पास रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। ए इंस्पेक्टर बाबू, जब सलमान के दोस्तों का कत्ल हुआ था ना, उस वक्त हम तुम्हारे पास गाड़ी के कागजात गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे। जनाब इज्जत बेग साहेब, ये कुर्सी आपकी, ये वर्दी भी आपकी, और हम भी आपके। जो आप कहेंगे वो हम लिख कर बना देंगे। आपने कहा हो गया। ये लीजिए सरकार। थैंक यू। आराम साधो। सबसे बड़े शैतान तुम हो, जिसने मेरे बड़े भाई का खून कराया और मेरे दोस्तों का कत्ल करा दिया। मैं तुम्हें हरामजादे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ।
रिश्तेदारी का खूनियार आ गया ना? नहीं सिद्दीक साहब, नहीं। हट जा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसे कानूनी कार्रवाई से मारा जाए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये तो अच्छी तरह जानता है ना कि खुशी को गम में बदलना मेरी फितरत है। ये पकड़ से पकड़, फिर मिलूंगा तुझसे, फिर मिलूंगा। ले चलो इसे। सुलेमान, आज आपको जादू में ले जाना है। खैर करे भाई, अल्लाह तेरे पांच फुल लाए, बल्कि एक फुल तेन गोभी का भी ला दे। पुत मेरी भतीजी आ, अचानक इन हरनिया की तकलीफ हो गई आ, मेरे घर से पुत्र खोती रेड़ी भी नहीं जी तेन मैं लद के लै जावा। अस्पताल तक इन लिस्ट दे दे, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, अल्लाह तेरे तरक्की आ दे, अल्लाह तेरे DSP बना दे। ठीक है बैठो पीछे। हैंड्स अप मुछालिया, माई नेम इज दादा, पीछे योर नेम इज माई पोता इज सुलेमान, नहीं तो खोल देना जब मैं खोता। इसकी हथकड़ी जल्दी से खोल दो, वरना एक को चुन चुन के गोली मार दूंगा। जल्दी करो, हथकड़ी खोल दो। शालू बेटा, चलो सुलेमान, खबरदार अगर पीछे किसी ने मुड़ के देखा तो गोली चला दूंगा। चलो पोता, तुम हो? हाँ दादा, मैं हूँ। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। सर मेरी थोड़ी सी वायरिंग उधड़ गई है। शालू बेटा तुम भी ठीक हो ना? चलो फिर किसी अच्छे स्पॉट पे चलते हैं ना बेटा, मेरे सामने। ऐसे तो तुम्हारी दादी भी नहीं करती। चलो जरा उधर चले बाग में। लड़की तूने मुझे दीवाना कर दिया, ए लड़की तूने मुझे दीवाना कर दिया, ऐसी नजर से देखा मुझे मस्ताना कर दिया, ए लड़की तूने मुझे दीवाना कर दिया। लड़की
के तूने मुझे दीवाना कर दिया। कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी ही मोटरसाइकिल के नीचे आकर खुद मरते हैं। उन बदकिस्मतों में से एक तुम हो। बताओ वो तस्वीरों वाली फाइल कहाँ है? बताओ। मुझे नहीं मालूम वो तस्वीरों वाली फाइल का। अच्छा तो तुम्हें नहीं मालूम। वेरी गुड, मैं तुम्हें अभी बताऊँ। आओ इज्जत देख साहब आओ। वो तस्वीरें कहाँ हैं? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? इमरान के कत्ल की मिनिस्टर साहब। वो तस्वीरें तो आपने नेगेटिव समेत जला दी थी। मैं उन तस्वीरों की बात करता हूँ जो सलमान के दोस्तों ने ना दरख्वास्त के साथ भेजी। उस फाइल की आप फिक्र ना करें, वो मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ, वो जगह मुझे याद नहीं। उस फाइल और तस्वीरों में ना हमारी मौत का परवाना है और तुमने इतनी आसानी से कह दिया है कि मैं वो रख कर भूल गया हूँ। Thank you.
बताता हूँ इधर इधर खोल दे राज, खोल खोल। खोल। खुदा मैंने इधर रखी थी, लगता है सुलेमान ले गया। सुलेमान ले गया है। ये पाकिस्तान की आवाम कितनी भोली है, तुम इसको तो बुद्धू बना सकते हो लेकिन इज्जत पे खो रही। खुशी को गम में बदलना मेरी फितरत है। फितरत शेजम हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या हुआ? अच्छा मैं अब जल्दी से पहुंच रही हूँ। सानी क्या हुआ, खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है भाई जान, को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भैया क्या हुआ, क्या हुआ? आप खैरियत से तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन अभी जो फोन आया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। ओ, वो नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह खैर करे। ए इंस्पेक्टर बाबू, हम सब भाई लोग हैं, खतरा बन चुका है। भाई को कुछ हो गया तो हरामजादो, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना ना बेटा, ना फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रेक्टर भाई हमारे पास है।
नाश्ता कर रहा है। आधे घंटे में अगर तुम्हें फाइल ना पहुंचाई तो तुम्हारा भाई नाश्ते के बाद पानी पीने के काबिल भी नहीं रहेगा। बंद कर अपनी गंदी जुबान हरामजादे बास्टर्ड। हाँ, जुबान बंद कर लेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ बांध कर खामोशी से खड़े रहना ये हमारी आदत नहीं है। सलमान, मेरी बात को तरह गौर से सुनो। सुनिए, हम शाम से कुछ ज्यादा जहरीले हैं और न्योले से कुछ कम है। हमें जिससे खतरा महसूस होता है ना, हम उसे खत्म कर देते हैं। वैसे तुम्हारे बड़े भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बेचारा एमवी नसरीन के कत्ल का जश्न भी गवाह बन गया था। हाँ, और तुम्हारे दोस्त जो थे ना, वो तुम्हारे भाई के कत्ल के गवाह थे, इसलिए उनको भी खत्म करना पड़ा। अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारा करेक्टर भाई बोलता रहे, तो बड़ी शराफत से सारे सबूत देकर हमारे पास आ जाओ। आ जाओ ना, ये उसकी मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आधे घंटे की और मोड़ देता हूं, आधे घंटे की। हाँ, खुशी को गम में बदलना मेरी फितरत है। सुन लिया ना तुमने, सुन लिया तुमने, ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें पता चल जाएगा। कलेक्टर होने के नाते कातिलों के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं।
सलमान के भाई इमरान की तस्वीर है। हाँ हाँ, ये तो इमरान की है। वो आ गया शेरे पाकिस्तान, मेरा पोता सुलेमान। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को यहीं दफन कर दूं, मेरे दादा को छोड़ दे। इज्जत बेग छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। वो फाइल हमारे हवा ले कर दो, जो तुमने हवा में फेंकी। हवा में वो हमें नहीं मिली, उसमें हमारी मौत बंद है। वो हमें दे दो, हम तुम्हारे दादा समेत पूरे खानदान को आजाद कर देंगे। सुलेमान बेटा, इस कमीने को फाइल मत देना। हमारी जाने जाती है तो जाने दो। इस हराम खोर के टुकड़े टुकड़े करके सूबे के चौकों में लटका दो, ताकि आइंदा कोई जालिम किसी मजलूम पे जुल्म ना कर सके। गोली ना मारना इसे। फाइल दे, दे फाइल, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानते हो
को खुशी को गम में बदलना मेरी फितरत तुम्हारी ऐसे कैसे। नहीं सलमान नहीं, फाइल से ज्यादा हमारे दादा कीमती। सलमान हमारे दादा कीमती हैं। नहीं, ये मेरे दादा का हुक्म है, इन्हें फाइल नहीं मिलेगी, मैं इन सबको मार दूंगा। ये तुमने क्या किया रूबी? सलमान, तुम्हारे एहसानों का बोझ दौलत से नहीं, अपनी जान देकर अदा करना चाहती थी। मेरा सुलेमान बेटा किधर गया? बेटा, मैंने वही किया जो एक दादा एक पोते के लिए कर सकता है। बेटा, तुम्हें तो मैंने हमेशा अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा। तुम मेरा पोता नहीं, तुम मेरी जान। दादा, मुझे आप प्यार कौन करेगा? दादा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बेटा, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा तो होता है ना। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी नहीं, नहीं दादा, नहीं। आराम करो, मैं अब तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। इस अनबैग
मेरी भाभी को मारने वाले, मेरे बड़े भाई को मारने वाले, मेरे दादा को मारने वाले। बताओ मेरा दादा कहाँ है? बताओ, बताओ मेरा दादा कहाँ है? मेरा सारा खानदान तुमने बर्बाद कर दिया, मार डाला सबको।